श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणे अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद संत सद्गुरु महर्षि मेहि परमहंस जी महाराज का प्रवचन। संशयों को निर्मूल करने के लिए बिंदु ध्यान और नाद ध्यान है। प्यारी धर्मानुरागिनी जनता, हम लोग संतों की तारीफ में गाते हैं, बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में प्रचारी। बिंदु ध्यान और नाद ध्यान बताने वाले संत होते हैं। यह सरल साधन है। वैसे तो सरल से सरल और मोटे से मोटा काम भी अभ्यास नहीं होने के कारण कठिन जान पड़ता है। जो जही कला कुशलता कहें सो सुलभ सदा सुखकारी। सफरी सनमुख जल प्रवाह सुरसरी बहई गज भारी। ज्यो सरकरा मिलई सिकता मह बलते नहीं बिलगावे। अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका बिनु प्रयास ही पावे। सकल दृश्य निज उदर मेली सोवई निद्रा तजी जोगी। सोई हरि पद अनुभवई परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी। शोक मोह भय हर्ष दिवस निशी देश काल तह नाही। तुलसी दास एही दशाहीन संशय निर्मूल न जाही। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। संशयों को निर्मूल करने के लिए बिंदु ध्यान और नाद ध्यान है। बिंदु और नाद के लिए ध्यान बिंदु परिषद में है। बिजाक शरंग परम बिंदु नादंग तस्यो प्रियस्थितम सशब्दं साक्षरे छीने निःशब्दं परम पदम। ध्यान बिंदु परिषद। परम बिंदु कहने का मतलब क्या है? एक छोटे से छोटा चिन्ह बाहर में अंकित कर उसे बिंदु कहते हैं, किंतु उसकी परिभाषा को पढ़ने पर कहते हैं कि उसका विभाग नहीं होता। छोटे से छोटा चिन्ह भी अंकित कीजिए, फिर भी उसका विभाग होगा। परम बिंदु बाहर में अंकित नहीं किया जा सकता। पतली से पतली कोई भी नोक बिंदु अंकित करने के योग्य नहीं है। परम बिंदु से स्थूल में कोई स्थान छेका नहीं जा सकता। बाहर में उसको अंकित करना असंभव है। आप अपनी दृष्टि की नोक से अपने अंदर के प्रथम तल पर उसे अंकित कर सकते हैं। अंकित करने का अर्थ है, प्रथम पट पर दृष्टि की नोक रखिए, स्वयं परम बिंदु उदित हो जाएगा। जैसे पेंसिल की नोक जहाँ रखते हैं वहाँ स्वतः बिंदु हो जाता है, परंतु इसका विभाग हो सकेगा? परम बिंदु अर्थात परिभाषा के अनुकूल बिंदु का विभाग नहीं होगा। कबीर साहब का कहना है कि स्याह सुफेद तिलों बीच तारा अविगत अलख रवि है। पहले स्याह है, फिर सफेद हो जाता है, वही तारा हो जाता है। बाबा नानक साहब के वचन में भी है, तारा चिड़िया लंबा। तुलसी साहब का इसके लिए एक कथन है, श्याम कंज लीला गिरिशोई तिल परिमान जान जन कोई। श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय के श्लोक 9 में अनोर नियाम कहकर परमात्म रूप का वर्णन है और मनुस्मृति के अध्याय 12 श्लोक 122 में भी अनुरूप को परमात्म ध्यान कहा गया है। कविंग पुराण मनु शासिता रमनोर नियांग समुष्मेद सर्वस्य धातार मचिंत्य रूप मादित्यवर्ण तमसह परस्तात्।
गीता अध्याय 8-9। प्रशासितारं सर्वेषा मणियां शमनोरपि रुक्मांभं स्वप्न धीम गम्य गम्यंग विद्यातं पुरुषं परम। मनुस्मृति अध्याय 12-122। बाहर के विषयों का ध्यान छोड़ता है तब अंदर का ध्यान होता है। बाहरी विषयों के चिंतन से मोटा ध्यान भी नहीं हो सकता है, फिर उस चिंतन में रहकर कोई सूक्ष्म ध्यान कैसे कर सकता है। ध्यानाभ्यासी की वृत्ति पाप की ओर से हटी होती है, उससे पाप रहित कर्म होगा। जो पहले का किया हुआ पाप है वह ध्यान योग से नष्ट हो जाएगा। ध्यानाभ्यासी ध्यान बल से कर्म मंडल के ऊपर उठ जाता है। इस तरह वह पाप पुण्य दोनों से ऊपर उठ जाता है। उसे पाप और पुण्य वहां से लौटा नहीं सकते, इसलिए उपनिषद के वचनों पर विश्वास करना चाहिए। जितने भी अक्षर लिपि या दृश्य या रूप हैं, सबका बीज बिंदु है। किसी भी दृश्य का रूप बनाने के लिए पहले बिंदु बनता है। बिना बिंदु के कोई रूप नहीं बना सकते, जैसे वट के बीज के बिना वट का वृक्ष नहीं हो सकता, उसी प्रकार समस्त आकारों की उत्पत्ति बिंदु से है, अंत भी बिंदु है। उस बिंदु को जो प्राप्त करता है वह दृश्य जगत के शिखर पर चढ़ जाता है। इसी को ब्रह्म रंग्र से होकर ब्रह्मांड में जाना कहते हैं। रूप दृश्यमान है, रस जिभ्या से, गंध नाक से, शब्द कान से तथा स्पर्श छूने से आपको मालूम होता है। इन सब का रूप क्या है, गंध का क्या दृश्य है। इसी प्रकार अदृश्य पदार्थ भी संसार में है। दृश्य का आरंभ बिंदु से और अंत बिंदु पर होता है, और अदृश्य का आरंभ किससे होता है, अदृश्य का आरंभ शब्द से होता है। जो अदृश्य है गति या कंप का सहचर ध्वनि है। कंप के बिना कुछ नहीं बन सकता, ध्वनि कंप या गति के साथ अवश्य होती है। साधो गति में अनहद बाजे झंझकार और झनक झनक है, यही मंदिर में साजे दरिया साहब बिहारी। अतएव सारी सृष्टि शब्द से अवश्य ही हुई है। जब तक शब्द रहेगा तब तक संसार रहेगा, जब शब्द को पार कर जाए तब संसार के पार में पहुंच जाए। संसार का दूसरा हिस्सा अरूप है, वह नाद ध्यान से पार किया जाएगा। नाद भी अरूप है, जैसे जल के सहारे से जल को पार किया जाता है, उसी तरह अरूप के सहारे से अरूप को पार किया जाएगा। शब्द में आकर्षण करने का गुण है, यही बराई शब्द की, जैसे चुंबक भाए बिना शब्द नहीं उबरे, केता करे उपाय। कबीर साहब, चुंबक सत शब्द है भाई, चुंबक शब्द लोक ले जाई, ले निकारी होखे नहीं पीरा, शब्द शब्द जो बसे शरीरा। दरिया साहब बिहारी। बिंदु ध्यान की यह महिमा है कि आप कि उसके द्वारा रूप जगत से ऊपर उठ जाएंगे और नाद ध्यान से अरूप जगत से ऊपर उठ जाएंगे। कितने लोग कहते हैं कि शरीर के अंदर अनेक रग रेशे चलते हैं, उनकी ये ध्वनियां हैं, उनको सुनकर क्या होगा। मैं उनसे कहता हूं कि अपनी वृत्ति को आप स्थूल मंडल से ऊपर उठा लीजिए, तब सुनिए। उस समय आपकी वृत्ति स्थूल में नहीं रहेगी, तब आप स्थूल ध्वनियों को कैसे सुन सकते हैं। उस अंतरनाद को सुनिए, इसी को तुलसी साहब ने कहा है,
श्रुति ठहरानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निश दिन बासा, गगन द्वार दिशा एक तारा, अनहद नाद समय झंकारा। तिल पर माने लगे कपाटा, मकर तार जह जीव का बाटा। शब्द की धार सबके अंदर है, मकरा तार पर नीचे से ऊपर जाता आता है, उसी तरह शब्द के द्वारा भी नीचे से ऊपर उठ सकते हैं। अपने अंदर में यात्रा करने के लिए बिंदु नाद ही सहारा है, इसी का अवलंब लेकर हम वहां पहुंच सकते हैं जहां परमेश्वर परमात्मा का साक्षात्कार होगा। यही बिंदु नाद ध्यान की महिमा है, यही मुनियों का नादानुसंधान है। नास्ति नादात् प्रो मंत्रो न देवः स्वात्मनः परः, नानुसंधे पड़ा पूजा न ही तृप्तेह परं सुखम। योग शिखोपनिषद अध्याय 2। नादानुसंधान के समान कोई पूजा नहीं है। सबको चाहिए कि नाद और बिंदु का ध्यान करे। गुरु महाराज हम लोगों को कृपा करके इसकी शिक्षा और युक्ति दे गए हैं, उनका अभ्यास हम लोगों को करना चाहिए। भोजन कम कीजिए, विशेष भोजन से निद्रा आएगी और भजन नहीं होगा, इसलिए कम खाइए और भजन कीजिए। यह प्रवचन उत्तर प्रदेश राज्यांतर्गत मुरादाबाद में दिनांक 11/10/1954 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।